हेलो स्टूडेंट, वी आर वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आई एम माधुरी भारद्वाज। आई एम इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर फूड प्रिंट विदाउट फीट, लेसन नंबर 5। ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है। इसमें हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि गायब होने की जो दवा रहता है वो बनाता है। टू बॉयज वर स्टार्टेड इन द सरप्राइज। वो लड़के जो होते हैं वो सरप्राइज फील करते हैं एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट। उनको मिट्टी लगे जो इम्प्रिंट है वो दिखाई देते हैं। नाउ पेयर ऑफ द बेयर फीट। What was the barefooted? ये कहाँ से आए? Man doing on the step of the house in the middle of the London. ये मिडिल लंदन की बात है। Where was the man? ये वो मैन कौन होगा? And as they gazed a remarkable sight me their eyes. उनका ये जो है घटना मेरी आँखों को चौंका देने वाली है। और फ्रेश फूड मार्क, ये जो फूड मार्क्स हैं वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं। अपीयर फ्रॉम द नाउ वेयर, जहाँ से भी ये आ रहे हैं। फर्दर फुट प्रिंट फॉलो, जो फुट प्रिंट है उनको फॉलो करते हैं। एंड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। एंड द डिसेंडिंग द स्टेप एंड द प्रोग्रेसिंग डाउन टू द स्ट्रीट। एंड द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम द फेंटर एंड द फेंटर एंड एट द लास्ट द डिस्पेयर ऑल टुगेदर। मतलब फिर वो गायब हो जाते हैं। एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज द रियली सिंपल इनफ। और जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही सिंपल पर्याप्त था। एंड द बिवल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोड अ साइंटिस्ट। और जो साइंटिस्ट है वो इसको फॉलो कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। यही सोच रहे थे जो ह्यूमन बॉडी है उसे ट्रांसपेरेंट कैसे किया जा सकता है। द ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड द कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट हैं उसको कैरी आउट कैसे किया जा सकता है। एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद में टू प्रूव दैट, ग्रिफिन ने उसको प्रूव करने के लिए द ह्यूमन बॉडी कुड बी बिकम द इनविजिबल, की ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही सोल्व द सर्टेन रियर ड्रग, उस ड्रग को प्रूव करने के लिए खा लिया, पी लिया। एंड इस बॉडी बिकम अ ट्रांसपेरेंट, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। एज अ शीट ऑफ द ग्लास, जैसे कि ग्लास की शीट होती है वैसे ही दिखाई देने लगा। एंड थ्रो इट इज द रिमेन एज अ सॉलिड एज अ ग्लास, उतना ही सॉलिड था जितना कि एक ग्लास रहता है। एंड द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट तो था वो ब्रिलियंट था, तो ही वॉज अ ग्रिफिन, उसका नाम ग्रिफिन था। एज अ लॉलेस पर्सन, उसको कोई भी नियम कानून नहीं थे। एंड लैंडलॉर्ड डिसलाइकिंग, उसके जो मकान मालिक था वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। एंड द रिवेंज, उसे बदला लेने के लिए द ग्रिफिन सेट द फायर टू द हाउस, ने घर में आग लगा दी। टू गेट अवे द विदाउट बींग सीन ये टू द रिमूव हिज क्लोथ, आग लगा दी और कपड़े निकाल दिए। एंड दस इट वॉज दैट बिकम अ होमलेस वंडर, उसका जो कुछ भी नहीं बचा, उसका घर नहीं था, द्वार नहीं था, और घूमने लगा विदाउट द क्लोथ, बिना कपड़ों के। एंड विदाउट मनी एंड द क्वाइट इनविजिबल। एंड अनटिल ही हैपन द स्टेप टू मड, और इसी कारण ऐसा होता है कि वो मट में स्टेप रख लेता है। एंड लेफ्ट द फूट प्रिंट एज अ वॉक, और जैसे ही चलता है ऐसे ही जो फूट प्रिंट रहते हैं वो उसको मतलब बच्चों को दिखाई देते हैं। ही एस्केप इजीली, और वो आसानी से भाग जाता है। फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज, जो लड़के हैं जो फॉलो कर रहे थे उनसे भाग जाता है। एंड हिज फूट प्रिंट इन द लंदन, और उसके जो फूट प्रिंट है वो लंदन में दिखाई देते हैं। बट हिज एडवेंचर वर बाय द नो मीन्स ओवर, परंतु उसके जो एडवेंचर है उसका कोई मतलब नहीं है। And he had the chosen as a had bad time for the years and the wonder about the London. वो लंदन में घूमता है without the clothes, बिना कपड़ों के। एंड इट वॉज द मिड विंटर, और ये मिड विंटर की बात रहती है, विंटर के बीच की। एंड द एयर वॉज द बिटर कूलर, बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। एंड ही कुड नॉट बी द विदाउट द क्लोथ, और बिना कपड़ों के कोई नहीं रह सकता है। एंड इंस्टीट ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट एंड ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू द बिग लंदन स्टोर फॉर द वॉर्म्थ। एंड द क्लोजिंग टाइम अराइव, उसको बंद करने का टाइम आ जाता है। एंड एज सून एज द डोर वर द शट ग्रिफिन, और जैसे ही वो डोर शट करने की बारी आती है, एनेबल टू गिव हिमसेल्फ टू अ प्लेजर ऑफ द क्लोथिंग, और वो जो कपड़ों का आनंद लेता है। एंड फीलिंग हिमसेल्फ विदाउट द रिगार्ड ऑफ द टू एक्सपेंस, बिना खर्च किए ही खाता है। एंड ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस इन द रैपर, बॉक्स को ओपन कर लेता है, रैपर ओपन कर लेता है, फिटेड हिम उसके ऊपर जो बनते हैं वो पहन लेता है आउट ऑफ हिज बॉम्ब पर, और गर्म गर्म कपड़े पहनता है।
पहनता है वो कोट पहनता है एंड वाइट द ब्रिम्ड हैट, और एक हैट पहनता है एंड बिकम द फुल ड्रेस्ड, फिर पूरी ड्रेस पहन लेता है विधि में पर्सन, और फिर वो दिखाई देने लगता है। इन द किचन ऑफ द ट्रांस रेस्टोरेंट ही फाउंड द कोल्ड मीट, और उसको रेस्टोरेंट के किचन में कोल्ड मीट मिल जाता है खाने के लिए और कॉफ़ी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड हिम अ मेल विद द स्वीट, और स्वीट भी मिल जाती है खाने के लिए, वाइन भी लेता है वो, ग्रोसरी मिल जाती है ग्रोसरी स्टोर से, एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ द फर्ट, और वो बढ़िया सो जाता है। इफ ओनली द ग्रिफिन हैड द मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम टू माइट हैव बीन वेल, मतलब वो अच्छा कुछ समय बताता है, बट इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग, उस दिन तो असिस्टेंट नहीं आते तब तक वो सोया रहता है। व्हेन ही सॉ द कपल ऑफ देम, जब वो उनको कपल को देखता है अप्रोचिंग की, जैसे ही वो पहुँच चुके हैं। इसके आगे हम देखेंगे कल, इट्स नॉट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो।